टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम MTP एक्ट भी कहते हैं। इट केम इन 1971 में आया था ये। इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग एबॉर्शन सर्विसेज अवेलेबल इन इंडिया। मीन्स जो भी एबॉर्शन सर्विसेज हैं उनको एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो अभी आगे हम बताएंगे लीगल एबॉर्शन क्या होते हैं। तो एम क्या है इसका, इस एक्ट को बनाने का एम है, एम्स टू इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ सिनेरियो। जो भी मदर की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। लीगलाइज एबॉर्शन सर्विसेज, जो भी एबॉर्शन हो, एबॉर्शन की सर्विसेज प्रोवाइड हो वो क्या हो, लीगल हो। सेफ एबॉर्शन सर्विसेज टू वुमेन, जो वुमेन्स को क्या हो, एबॉर्शन सर्विसेज क्या हो, सुरक्षित एक तरह से सेफ प्रोवाइड हो, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिकेशंस, कब कब करते हैं ये एबॉर्शन। थेरेपेटिक में क्या, मदर की फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे अगर कोई असर हो रहा है उस केस में एबॉर्शन कर सकते हैं। यूजेनिक, चाइल्ड की अगर फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे कोई असर पड़ रहा है उस केस में एबॉर्शन हो सकता है। मींस जो भी अगर चाइल्ड है वो अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी बाद में, तो उस केस में भी एबॉर्शन किया जा सकता है। ह्यूमैनिटेरियन मींस अगर कोई प्रेगनेंसी रेप की वजह से हुई है उस केस में भी एबॉर्शन हो सकता है। और सोशल मींस अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर हो गया है, किसी भी मैरिड कपल में अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर हो गया उस केस में भी हम एबॉर्शन कर सकते हैं। क्योंकि मदर की हेल्थ पे असर पड़ सकता है। व्हाट इज लीगल एबॉर्शंस, लीगल एबॉर्शंस किसे कहते हैं, टर्मिनेशन डन बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर अप्रूव्ड बाय द एक्ट। मींस एक्ट अकॉर्डिंग जो भी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो वो एक RMP के द्वारा ही हो, तो उस केस को, उस एबॉर्शन को हम लीगल एबॉर्शन कहेंगे। जो भी टर्मिनेशन डन एट अ प्लेस अप्रूव्ड अंडर द एक्ट, जिस प्लेस जहाँ पर एबॉर्शन को टर्मिनेट किया जाए वो प्लेस अप्रूव्ड हो अकॉर्डिंग टू एक्ट। टर्मिनेशन डन फॉर कंडीशंस एंड विद इन द जेस्टेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट। मींस एक्ट के अंदर जो भी जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, 1 to 9 मंथ का जो पीरियड होता है वो जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। तो एक्ट के अकॉर्डिंग जो जेस्टेशन पीरियड मींस 1 to 12 weeks या 12 to 20 weeks के जो भी रूल्स हैं उसी के अंदर होना चाहिए एबॉर्शन का टर्मिनेशन। अदर रिक्वायरमेंट्स वुड बी कंपाइल्ड विद द एक्ट। और जो भी रिक्वायरमेंट्स हो, मीन्स टेबल हो, एनेस्थेटिक इक्विपमेंट हो, ये अकॉर्डिंग टू एक्ट अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पे एबॉर्शन हो रहा हो। तो इसी को, उस एबॉर्शन को बोलेंगे लीगल एबॉर्शन। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर मेडिकल प्रोटेक्शनर एबॉर्शन नहीं कर रहा है या ऐसे प्लेस पे हो रहा है जहाँ पे जो अप्रूव नहीं है, तो उसे लीगल एबॉर्शन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, व्हेन कैन प्रेगनेंसी बी टर्मिनेटेड। प्रेगनेंसी को कब टर्मिनेट किया जा सकता है, अभी आप पीछे हमने डिस्कस किया इंडिकेशंस में, वही प्रेगनेंसी इज द कंडीशन इन विच, पहले तो हमें जानना है प्रेगनेंसी क्या होती है। प्रेगनेंसी इज द कंडीशन इन विच एन एम्ब्रियो और फिटस इज डेवलपिंग इन द बॉडी। प्रेगनेंसी वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर फिटस का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। प्रेगनेंसी से साइंस ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एंड प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सिजेशन, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट और इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाई RMP एज फॉलोज। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट RMP किन केसेस में कितने RMP की ज़रूरत होती है और क्या कंडीशंस होती है वो ये इस एक्ट में बताया गया है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो सबसे पहली कंडीशंस, दो कंडीशंस हो सकती हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 12 weeks एंड द RMPs ऑफ द ओपिनियन दैट। अगर प्रेगनेंसी की जो लेंथ है, मींस जो टाइम पीरियड है, वो अगर 12 weeks से ज़्यादा नहीं हुआ है तो उस केस में सिर्फ एक RMP की ओपिनियन की ज़रूरत होती है।
और दूसरा केस है व्हेन द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी एक्सीड 12 वीक्स बट डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स एंड इफ नॉट लेस देन 2 आरएमपी. सो देयर आर 2 आरएमपी, सो देयर 2 आरएमपी आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो अगर जो प्रेगनेंसी की लेंथ है वो, अगर प्रेगनेंसी की लेंथ 12 वीक से ज़्यादा हो चुकी है लेकिन 20 वीक से कम है, तो उस केस में 2 आरएमपी के ओपिनियन की ज़रूरत होती है. फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर प्रेगनेंसी की जो टाइम पीरियड है, जो लेंथ, जो उसका टाइम पीरियड है वो 12 वीक से कम है, उस केस में 1 आरएमपी के ओपिनियन की ज़रूरत होती है. और अगर प्रेगनेंसी की जो लेंथ है, टाइम पीरियड है, वो 12 वीक से ज़्यादा हो चुका है लेकिन 20 वीक से कम है, उस केस में 2 आरएमपी के ओपिनियन की ज़रूरत होती है. कौन से ओपिनियन? द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व सीरियस रिस्क ऑफ द लिफ सीरियस रिस्क ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रेगनेंट वुमेन और ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ. मीन्स पहला केस क्या है कि जो हमारी मदर, जो वुमेन है, जो प्रेगनेंट वुमेन है, उसकी अगर उसे सीरियस रिस्क है या उसकी फिजिकल और या मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है, तो उस केस में ये आरएमपी अगर 12 वीक्स से कम है तो एक आरएमपी अपना ओपिनियन दे सकता है कि करना है, कंटिन्यू करना है कि नहीं उस प्रेगनेंसी को. और अगर 12 वीक्स से ज़्यादा हो चुका है तो उस केस में 2 आरएमपी अपना ओपिनियन देंगे कि कंटिन्यू करना है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं. दूसरा चांस ये हो सकता है कि देयर इज सबेंशियल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड वर बॉर्न इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड. दूसरा केस ये हो सकता है कि जो भी चाइल्ड बॉर्न होने वाला है उसकी फिजिकल या मेंटल, उसके अंदर जो भी है फिजिकल हेल्थ या पेमेंट, उसके अंदर मेंटल एबनॉर्मलिटीज नहीं है या सीरियसली हैंडीकैप्ड तो नहीं है, उस केस में भी ये आरएमपीज अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं. तो दो दो केस हो सकते हैं, एक तो मदर की हेल्थ और दूसरा चाइल्ड की हेल्थ. नेक्स्ट आ जाते हैं, और केसेस क्या हो सकते हैं जो भी आरएमपीज हैं वो अपना ओपिनियन और किन किन केसेस में दे सकते हैं. अगर सेक्स क्राइम्स हुए हैं लाइक रेप और इंटरकोर्स विद दी ल्यूनेटिक वुमेन कंस्टिट्यूट ग्रेव इंजरी टू दी मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन. ठीक है, अगर कोई सेक्स क्राइम हुआ है, रेप या ल्यूनेटिक वुमेन के साथ इंटरकोर्स हुआ है, तो उस केसेस में क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन की जो मेंटल हेल्थ है उस पर असर पड़ सकता है. तो इस केस में भी ये आरएमपीज अपना ओपिनियन दे सकते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी की. नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एक्सेप्ट व्हेन. कोई भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है बिना प्रेग्नेंट वुमेन के कंसेंट फॉर्म के. किस केसेस में प्रेग्नेंट वुमेन के कंसेंट फॉर्म की को उनकी ज़रूरत नहीं होती है? एक केस हो सकता है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन इज़ लेस देन 18 ईयर्स इन एज, अगर उसकी एज 18 साल से कम है, या विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द गार्जियन इफ द प्रेग्नेंट वुमेन इज मेंटली रिटार्डेड ऑल्दो सी अटेंडेड द एज ऑफ 18 ईयर्स. दो केसेस में प्रेग्नेंट वुमेन की कंसेंट की जरूरत नहीं होती है, उसमें क्या होता है, गार्जियन कंसेंट फॉर्म पड़ता है. पहला केस ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी एज 18 ईयर से कम है, और दूसरा केस ये है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन जो भी है वो मेंटली रिटार्डेड है, अगर उसकी 18 ईयर्स एज भी हो चुकी है लेकिन वो मेंटली रिटार्डेड है, उस केस में जो गार्जियन है वो कंसेंट फॉर्म को फिल करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं, प्लेस वेयर प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड. कौन सी जो प्लेस होता है वहाँ पे, कहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं? अंडर द एक्ट प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड एट अ हॉस्पिटल स्टेबलाइज्ड और मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल या प्लेस फॉर द टाइम बीइंग अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट बाय द गवर्नमेंट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे जो दूसरा बी पॉइंट है वो एक तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है. एक तो है कि जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वो वहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, और दूसरा प्लेस हो सकता है कि कोई भी ऐसा प्लेस या प्राइवेट प्लेस जो कि ऑथोराइज्ड हो या अप्रूव्ड हो, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी बनी है अप्रूव करने के लिए उसके द्वारा. नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ अ प्लेस. किसी भी प्लेस को अप्रूव करने की प्रोसेस क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन बाई अ आरएमपी ओनली एट एन अप्रूव्ड प्लेस. कोई भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन जो आरएमपी करता है वो अप्रूव्ड प्लेस पे ही करता है. द एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल प्लेस शुड बी एड्रेस्ड टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हु शैल वेरीफाई और इंस्पेक्ट सच प्लेस विद अ व्यू ऑफ एसरेशन द व्यू ऑफ अ सर्टन himself that termination of pregnancy can be done therein under hygienic conditions and following facilities are provided.
किसी भी प्लेस को अप्रूव कराने के लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जाता है किसको, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उस डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर को या सीएमओ को। और फिर वो सीएमओ क्या कर सकता है, एक बार इंस्पेक्ट या वेरीफाई कर सकता है उस प्लेस को कि वो प्लेस वहाँ पर हाइजीनिक कंडीशंस है कि नहीं, या जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है कि नहीं, वो फैसिलिटीज़ कौन सी हैं जिसको वो चेक करता है। तो इन केस ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, उस केसेस में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ज़रूरी होनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 12 वीक्स के पहले का टाइम क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो प्रेगनेंसी की लेंथ होती है वो 9 मंथ्स की होती है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड होता है 1 to 12 वीक्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड होता है 12 to 20 वीक्स, एंड आगे जो वीक्स होते हैं उनको थर्ड ट्राइमेस्टर में रखा गया है। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है, तो उस केसेस में क्या क्या होना चाहिए उस जगह पे, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन टेबल, ठीक है, या लेबर टेबल भी उसको कहते हैं। रीसेसिटेशन इक्विपमेंट होने चाहिए। रीसेसिटेशन इक्विपमेंट क्या होते हैं, ब्रीदिंग या हार्ट रेट की कुछ प्रॉब्लम होगी उसके लिए जो इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं, एंड स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट्स हैं वो स्टरलाइज हैं कि नहीं, स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए वहाँ पे फैसिलिटी है कि नहीं। ड्रग एंड पैरेंटल फ्लूइड्स, ड्रग्स जो भी ज़रूरत है और पैरेंटल फ्लूइड्स वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। बैकअप फैसिलिटीज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक, अगर शॉक आ गया तो उस केस में बैकअप उसकी फैसिलिटीज़ भी वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। एंड फैसिलिटीज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स अगर कोई इमरजेंसी केस आ गया तो ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर केस में ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़रूरी होनी चाहिए, और अगर वहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है तो उस केस में वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। एन ऑपरेशन टेबल फॉर इंस्ट्रूमेंट फॉर परफॉर्मिंग एब्डोमिनल और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, मीन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऑपरेशन टेबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है एनेस्थेटिक इक्विपमेंट होना चाहिए, रीसेसिटेशन इक्विपमेंट इस केस में भी होना चाहिए, स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट होना चाहिए, ड्रग और पैरेंटल फ्लूइड्स होने चाहिए, फॉर इमरजेंसी यूज़ शुड बी अवेलेबल, ठीक है। आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द गवर्नमेंट मे अप्रूव सच प्लेस एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। ये सारी कंडीशंस जो भी हैं वो चीफ मेडिकल ऑफिसर क्या करता है, चेक करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और गवर्नमेंट को भेजता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर इन सारी चीज़ों से, फैसिलिटीज से सेटिस्फाइड होता है, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, तब एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल इशू करती है, और वो सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड एट द प्लेस। वो सर्टिफिकेट कहाँ होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए उस जगह पे वहाँ पर, ताकि जो भी लोग उसको विजिबली आंखों से, मतलब दूर से भी पढ़ सकें। तो सिंपली क्या है कि जो भी किसी प्लेस को अप्रूव कराने के लिए, जो वहाँ का, वहाँ के लिए क्या एप्लीकेशन देनी पड़ती है, किसको, चीफ मेडिकल ऑफिसर को। फिर वो चीफ मेडिकल ऑफिसर सारी ये फैसिलिटीज़ देखता है कि वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, और अगर वो सेटिस्फाइड होता है सारी कंडीशंस से, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजता है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ उस प्लेस को अप्रूव करने के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल इशू करती है। और वो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, वो सर्टिफिकेट कहाँ पे, उस जगह पे क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ सीएमओ इज नॉट सेटिस्फाइड विद ऑल दी फैसिलिटीज, ही शैल मेक अ डिटेल्ड रिपोर्ट टू दी गवर्नमेंट। अगर सीएमओ या चीफ मेडिकल ऑफिसर सारी फैसिलिटीज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट, एक डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और गवर्नमेंट को देगा। मीन्स जो भी चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करेगा, फिर वो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रिपोर्ट द गवर्नमेंट मे आफ्टर गिविंग दी ओनर दी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड आइदर कैंसिल दी सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल और सस्पेंड दी सेम फॉर सच पीरियड एज इट मे थिंक फिट। जो भी गवर्नमेंट है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, उस रिपोर्ट के आधार पर क्या करती है, जो भी वहाँ का ओनर होता है उसको एक रीजनेबल, उसे रीज़न पूछती है वो फैसिलिटीज़ ना होने का, और अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो उसके लिए क्या करती है वो, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उस रीज़न से, तो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, जो भी पहले से अगर सर्टिफिकेट, उसको अप्रूवल सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो उसको कैंसिल भी कर सकती है, या मिलने वाला तभी उस बात के लिए भी कैंसिल कर सकती है। और अगर उसे रीजनेबल रीज़न लगता है तो वो एक टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, मीन्स एक मौका दिया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए कि आप इन चीज़ों को सही कर लीजिए। द सर्टिफिकेट मे हाउएवर बी रिन्यूड और अ फ्रेश सर्टिफिकेट इशूड एन एप्लीकेशन फ्रॉम दी ओनर ऑफ अ प्लेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडिशन और इम्प्रूवमेंट्स। सर्टिफिकेट इशू क्या करा जाता है, कब,
जब जो वहाँ का ओनर होता है वो सारी चीज़ें फिर से इम्प्रूव कर लेता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। जो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेगा, जो भी आरएमपी, उसकी एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग कौन कौन क्या होनी चाहिए। तो फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, द आरएमपी शुड प्रोसेस वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, आरएमपी के पास जो भी सारी कंडीशंस है उसमें एक या एक से ज़्यादा फॉलोइंग एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो पहले कंडीशन्स है, इफ़ ही है वॉज रजिस्टर्ड इन अ स्टेट मेडिकल रजिस्टर इमिडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, एक्सपीरियंस इन द प्रैक्टिस ऑफ गायनेकोलॉजी इन ऑब्स्टेट्रिक्स फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर्स। अगर वो इस एक्ट के आने से पहले स्टेट मेडिकल रजिस्टर में वो आरएमपी रजिस्टर हुआ है, मीन्स 1971 में ये एक्ट आया था, इसके पहले अगर वो उसका स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसने उसका नाम रजिस्टर हुआ है, तो उस केस में उसके पास 3 साल की का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में। ठीक है, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। गायनेकोलॉजी किसको कवर करता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी रिकवरी के लिए, और जो ऑब्स्टेट्रिक्स है वो मेनली प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के पहले की कंडीशंस, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कंडीशंस है 1 to 9 तक उसके टाइम पीरियड, प्रेगनेंसी के केसेस और पोस्ट पार्टम प्रेगनेंसी मीन्स प्रेगनेंसी के बाद के पीरियड को, ये जो सारी चीज़ें आती हैं ऑब्स्टेट्रिक्स में आती हैं। तो अगर वो एक्ट आने से पहले स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम एंट्री हुई है, तो उसके पास गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में 3 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है, इन केस ऑफ आर एम पी हु वॉज रजिस्टर्ड इन अ स्टेट मेडिकल रजिस्टर ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, मीन्स अगर जो एक्ट के आने के बाद अगर उसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में एंट्री हुई है, तो उस केस में उसके पास क्या होना चाहिए, ही हैज़ कंप्लीटेड द 6 months ऑफ हाउस सर्जरी इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। उसके पास 6 month की डिग्री होनी चाहिए, 6 month का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक में हाउस सर्जरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा केस क्या हो सकता है, व्हेन ही वाज नॉट डन एनी सच हाउस सर्जरी इफ ही हैड एक्सपीरियंस एट एनी हॉस्पिटल फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर इन द प्रैक्टिस ऑफ गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स। अगर उसके पास ये 6 month की हाउस सर्जरी का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके अगर नहीं है तो इसके क्या होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में। उस केस में भी वो आरएमपी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। और तीसरा केस है कि इफ़ ही हैज़ असिस्टेड अ आरएमपी इन द परफॉर्मेंस ऑफ 25 केसेस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मीन जो भी आरएमपी अबॉर्शन को टर्मिनेट करने जा रहा है वो, उसके पास एक और केस हो सकता है कि उसने 25 केसेस अटेंड किए हों या असिस्ट किए हों किसी और दूसरे आरएमपी के साथ, मीन 25 केसेस में दूसरे आरएमपी के साथ काम किया हो, तो उस केस में भी वो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, वो आरएमपी भी एलिजिबल होता है। थर्ड है, इन केस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन अ स्टेट मेडिकल रजिस्टर एंड हु होल्ड्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, द एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिग्री और डिप्लोमा। थर्ड केस ये हो सकता है कि अगर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या उसके पास डिप्लोमा हो गायनेकोलॉजी या ऑब्स्टेट्रिक्स में, उस केस में उसको ड्यूरिंग जो उसका जो कोर्स होता है उसमें ट्रेनिंग क्या कराया जाता है, एक ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके कोर्स के ड्यूरिंग ही ट्रेनिंग कराई जाती है, तो उस केस में ये सारी कंडीशन की जरूरत नहीं होती है, हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस या 25 केसेस, ऐसे मीन्स उसके पास बस डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या डिप्लोमा, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई में ही ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एडमिशन रजिस्टर क्या होता है, तो एवरी हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ओनर ऑफ अप्रूव्ड प्लेस शैल मेंटेन अ रजिस्टर फॉर रिकॉर्ड। कुछ जहाँ पे ये किया जाता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वहाँ का जो है हॉस्पिटल का हेड होता है या उस अप्रूव्ड प्लेस का ओनर जो होता है वो क्या करता है, एक रजिस्टर मेंटेन करता है किस चीज़ के लिए, एक रिकॉर्ड रखने के लिए। द एंट्रीज इन द एडमिशन रजिस्टर शैल बी मेड सीरियली ईयर वाइज, एग्जाम्पल 9/14 रिफर्स टू द सीरियल नंबर 9/2014। अब उस एडमिशन रजिस्टर में कैसे एंट्री की जाती है, सपोज करिए कि उस ईयर का 9th केस है, 2014 ईयर है और उसका जो 9th केस है उस एबॉर्शन को टर्मिनेट किया जा रहा है, 9th नंबर की जो सीरियल नंबर है उसका नवा केस है उस साल का, तो उसे हम कैसे करेंगे,
केस ऑब्लिक ईयर, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो नाइन्थ केस है, सीरियल नंबर है और 2014 ईयर है, मीन्स लास्ट की दो डिजिट ली हैं। शुड बी अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट एंड द इंफॉर्मेशन कंटेन अबाउट द प्रेग्नेंट वूमेन शैल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन, मीन्स ये जो भी डॉक्यूमेंट है, ये जो रजिस्टर है, क्या एक तरह से सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। प्रेग्नेंट वूमेन की सारी इंफॉर्मेशन होती हैं और उसको किसी भी पर्सन से डिस्क्लोज नहीं कर सकता है वो हेड ऑफ द हॉस्पिटल या ओनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस। द एडमिशन रजिस्टर शैल नॉट बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाई एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ, किस किस केसेस में एडमिशन रजिस्टर को ओपन किया जाता है, वो कौन कौन सी कंडीशन है। इन केस ऑफ अ डिपार्टमेंटल और अदर इंक्वायरी द चीफ सेक्रेटरी आर टू द गवर्नमेंट ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। दूसरा केस है इन द केस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इन टू एन ऑफेंस अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हूज ज्यूरिडिक्शन द हॉस्पिटल और अप्रूव प्लेस इज सिचुएटेड। पहला है कि अगर कोई इंक्वायरी करनी है, कोई रेप का केस है या कोई ऐसा कोई क्राइम है, उस केस में जो चीफ सेक्रेटरी है वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट का जो चीफ सेक्रेटरी है किसी भी यूनियन टेरिटरी का, वो क्या कर सकता है, वो एडमिशन रजिस्टर उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। और दूसरा केस है कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया कि मीन्स अगर RMP एलिजिबल नहीं है या वो प्लेस अप्रूव नहीं है, तो उस केस में अगर पता चलता है तो वहाँ की जो जहाँ पे ये मैटर हुआ है उस एरिया का जो भी मजिस्ट्रेट होगा वो क्या कर सकता है, वो उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है एडमिशन रजिस्टर। द RMP हाउएवर शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन एम्प्लॉयड वुमेन हुज प्रेगनेंसी हैज़ बीन टर्मिनेटेड ग्रांट अ सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग हर टू ऑब्टेन लीव फॉर दर एम्प्लॉयर, मीन्स अगर किसी भी वुमेन जो भी है उस प्रेगनेंट वुमेन उसका अगर एबॉर्शन हो रहा है और वो प्रेगनेंट वुमेन एम्प्लॉयड है, मीन्स जॉब करती है, तो उस केस में जो RMP है वो एक सर्टिफिकेट अप्रूव कर सकता है, किस लिए, लीव, एम्प्लॉयर उसके एम्प्लॉयर को लीव प्रोवाइड करने के लिए। एवरी एडमिशन रजिस्टर शैल बी डिस्ट्रॉयड ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री इन दैट रजिस्टर एंड अदर पेपर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कंसर्न। तो एडमिशन रजिस्टर को कब टर्मिनेट किया जाता है, अगर जो भी एडमिशन रजिस्टर है उसमें जो लास्ट एंट्री है, मीन्स उस रजिस्टर की जो लास्ट एंट्री है उस डेट से 5 साल के बाद उस रजिस्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि जो और सारे पेपर्स से इससे रिलेटेड जो भी अबॉर्शन से रिलेटेड पेपर्स हैं उनको कब डिस्ट्रॉय करते हैं, जिस दिन वो प्रेगनेंसी की गई है उसकी डेट से लेके 3 साल के बाद, मतलब 3 साल बाद उसके पेपर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मीन्स जो एडमिशन रजिस्टर है जिसमें उसका नाम है उसमें उस एडमिशन रजिस्टर में जो लास्ट एंट्री है उसके 5 साल बाद उस एडमिशन रजिस्टर को डिस्ट्रॉय करते हैं और जो और अदर पेपर्स है उसको मेडिकल जो प्रेगनेंसी है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन है उसके लास्ट डेट जिस दिन प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है उससे 3 साल बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट है कस्टडी ऑफ फॉर्म्स। द कंसेंट गिवन बाय द प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टुगेदर विद द सर्टिफाइड ओपिनियन शैल बी प्लेस्ड इन एनवेलप, मीन्स जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है जो भी कंसर्न देगी या कंसर्न फॉर्म भरेगी वो क्या होगा, एक एनवेलप में क्या किया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। दिस एनवेलप शैल बी सील्ड बाय द RMP बाय हुम सच प्रेगनेंसी वॉज टर्मिनेटेड एंड अंटिल दैट एनवेलप इज सेंड टू द हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ओनर ऑफ अप्रूव्ड प्लेस और द CMO ऑफ द स्टेट, इट शैल बी केप्ट इन द सेफ कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड RMP। मीन्स ये जो एनवेलप है किसके पास रहता है, RMP के पास, कौन से RMP के पास, जो इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं, जब तक, कब तक उसके पास रहेगा, जब तक वो उसको जो भी एनवेलप है किसको भेजने देगा, हेड ऑफ द हॉस्पिटल को या ओनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस को या वहाँ के उस स्टेट के CMO को, तब तक वो सेफ कस्टडी में रहेगा, किसके पास, RMP के पास। सच एनवेलप शैल बी मार्क्ड सीक्रेट एंड देयर शैल बी नोटेड द सीरियल नंबर असाइन टू द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द नेम ऑफ RMP बाय हुम प्रेगनेंसी वॉज टर्मिनेटेड एंड सेंट इमीडिएटली टू द हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ओनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस वेयर द प्रेगनेंसी वॉज टर्मिनेटेड। ये जो एनवेलप होता है इस पर क्या लिखा होता है, सीक्रेट मेंशन होता है और इसके अलावा मार्क्ड होता है और इसके अलावा और क्या मेंशन होगा वहाँ पे, सीरियल नंबर मेंशन होगा उस जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है उसकी, और उसके अलावा जो भी RMP इसको इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है उसका नाम मेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया जाता है,
हेड ऑफ द हॉस्पिटल या ओनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस को भेज दिया जाता है। ही शैल ऑल्सो सेंड टू द सीएमओ ऑफ द स्टेट अ वीकली स्टेटमेंट ऑफ केसेस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा जो आरएमपी है और क्या भेज सकता है, वीकली एक सारे केसेस की रिपोर्ट भेज सकता है किसको, सीएमओ को। नेक्स्ट लास्ट आ जाते हैं ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज। मीन्स क्या क्या मीन्स ऑफेंसेस मीन्स आप क्या क्या अपराध करते हैं और उस पर कितनी पेनाल्टी लगती है। तो जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका जो अपराध किसको माना जाएगा, ऑफेंस किसको माना जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी बाई अ पर्सन अदर देन आरएमपी और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन अ प्लेस अदर देन प्रिस्क्राइब्ड और एनी पर्सन बींग ओनर ऑफ अ प्लेस विच इज़ नॉट अप्रूव्ड। पहला केस ये हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है और जो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है जो पर्सन, वो अगर आरएमपी नहीं है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, या जो जहाँ जिस प्लेस पे उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है वो अप्रूव्ड नहीं है, तो उस केस में क्या पेनल्टी लगती है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स अप टू 7 ईयर्स। मीन्स 2 साल से लेके 7 साल तक की सजा हो सकती है। मीन्स 2 साल से कम नहीं, 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है इस केस में। पर क्या है, फिर से रिपीट करते हैं। पहला केस ये है कि अगर आरएमपी जो है वो क्या है, एलिजिबल नहीं है उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, या जहाँ जिस प्लेस पर हो रहा है वो अप्रूव्ड नहीं है वो प्लेस, अगर वहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट गया, और उस केस में कितनी पेनल्टी लग सकती है, 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। सेकेंड होता है विलफुली फेल्योर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी रेगुलेशन। मीन जो भी रेगुलेशंस हैं ये एक्ट के, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, अगर उसको कंप्लाई नहीं कर रहा, उसको फुलफिल नहीं कर रही है वो जगह या जो भी प्रेगनेंसी जहाँ पर टर्मिनेट की जा रही है, उस केस में क्या हो सकता है, फाइन लग सकता है अप टू 1000 रुपीज़, 1000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इफ यू लाइक माई वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।